सपना रुक भैया नहीं, सपना सपना दूर हो, सपना दूर हो, मेरा प्रूफ है, सपना मेरा प्रूफ है। टीम इंडिया के युवा ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को लेकर बड़ी खबर आई है। शॉ के साथ मुंबई में कुछ क्रिकेट फैंस ने मारपीट की है। मारपीट और बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। मारपीट के वीडियो में देखा जा सकता है कैसे पृथ्वी शॉ पर बेसबॉल बैट से हमले की कोशिश हो रही है। इस दौरान लड़की पृथ्वी शॉ और उसके दोस्त पर आरोप भी लगा रही है कि क्लब में उनके साथ मारपीट की गई। पृथ्वी अपने दोस्तों के साथ सेंटा क्रूज स्थित एक होटल में पार्टी करने गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर की बात की जाए तो उनका नए कई सारे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक लड़की के साथ हाथापाई की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल उस स्पॉट से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि ये वो 5 सितारा होटल के पास का जगह है, बैरल मेंशन, जहां पे पृथ्वी शॉ की जो लड़ाई की तस्वीरें सामने आई हैं वो नजर आ रही हैं, जिसमें साफ तौर पर एक वीडियो के अंदर पृथ्वी शॉ के हाथों में कुछ स्टिक और डंडे जो हैं वो देखे जा सकते हैं। मामले में नई अपडेट ये आई है कि जो लड़की है उसका साफ कहना है उसके वकील का कि जो महिला है उसकी मारपीट पृथ्वी शॉ के साथ नहीं हुई, बल्कि पृथ्वी शॉ ने जो है उसके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर डंडों से अटैक किया और उस अटैक की तर्ज पर जो है केस रजिस्टर हुआ है। फिलहाल जो महिला है उसे ओशिवारा पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया है। मामले की जांच हो रही है कि आखिर वीडियो में किसने किस पर हाथापाई की, क्योंकि लड़की द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ थे और नशे की हालत में उन्होंने उन पर और उनके दोस्तों पर हमला किया। वहीं पृथ्वी शॉ के दोस्तों का ये कहना है कि वो डिनर के लिए आए थे और वो लगातार लोग सेल्फी क्लिक कराने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर पृथ्वी शॉ ने जब मना किया तो उनके ऊपर उनके दोस्तों ने गाड़ी को फॉलो किया और हॉकी के स्टिक्स उनके ऊपर लड़ाई की। तो बाकायदा इस बैरल मेंशन में ये हादसा हुआ, जहां पर सेल्फी लेने की कोशिश की जा रही थी। पृथ्वी शॉ ने एक दो लोगों के साथ सेल्फी ली, जब बाद में ग्रुप फोटो के लिए मना किया तो जो लड़की है यहां पर वो और उनके दोस्तों ने एक गाड़ी को फॉलो किया और उसके ऊपर हमला किया। हम लोग को मारा, इसके दोस्तों ने हम लोग को क्लब में मारा इसके लिए। वायरल वीडियो में लड़की को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पृथ्वी और उनके दोस्तों ने मिलकर मारपीट की। हालांकि अब ये पूरा मामला पुलिस के पास जा चुका है। मुंबई के ही ओशिवारा पुलिस थाने में 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इसमें 2 को नामजद किया गया है, जबकि 6 अन्य फैंस का नाम भी FIR में डाला गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि मारपीट करने वाले फैंस शराब के नशे में थे। शिकायत के मुताबिक ये पूरा मामला सहारा स्टार होटल के पास का है, जहां पृथ्वी अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे। इस दौरान पृथ्वी के पास कुछ फैंस आए और उनके साथ सेल्फी लेने लगे। कुछ फोटो और वीडियोस लेने के बाद पृथ्वी ने उनसे मना किया कि अब वो वहां से चले जाएं, लेकिन बावजूद इसके वो माने नहीं। ऐसे में क्रिकेटर ने रेस्टोरेंट के मालिक को फोन कर फैंस को हटाने के लिए कहा। स्टाफ और मैनेजर ने उस वक्त तो फैंस को वहां से हटा दिया, लेकिन वो सभी पृथ्वी शॉ का रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार करने लगे। और फिर जैसे ही पृथ्वी शॉ बाहर आए, उनके साथ बहसबाजी और फिर मारपीट की गई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट। अरे इधर आओ, इधर आओ, गोरेगांव की साइड आओ, गोरेगांव की साइड। हम लोग के साथ बहुत शॉर्ट हो गया है।